आपको एक बात कहता हूँ, एक गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, बहुत परेशान हुए लोग, क्योंकि हम जीते हैं जल से, जल ही हमारा जीवन है। घर में पानी वेस्ट मत करना कभी, नल अगर टिप टिप कर रहा है तो ध्यान रखना, इससे नुकसान होता है। अगर घर के अंदर नल से पानी बह रहा है उसको ठीक नहीं कर रहे हो तो पैसा टिकेगा नहीं, नुकसान होता रहेगा। शास्त्रों में लिखा है, जहां जल व्यर्थ होता है वहां धन व्यर्थ होता है। सावधान रहना, बगैर चलने वाली घड़ी, ज्यादा चलने वाला नल, ये सब घर में नुकसान करता है। आपको बताऊं मैं कि उस गांव में बहुत सूखा पड़ गया, खाने के लाले पड़ गए। सब लोगों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यहां बारिश आ जाए। तो सबने मिलके सोचा, हम सब मिलके सामूहिक प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? सामूहिक प्रार्थना। देखो, पूजा करने के लिए अलग ज्ञान चाहिए, चाहिए कि नहीं? मंत्र बोलने के लिए भी एक ज्ञान चाहिए। अगर मंत्र अशुद्ध बोलोगे तो उल्टा पड़ेगा कि नहीं? जी भगवान। होगा कि नहीं? जी भगवान। मंत्र भी तो व्यवस्थित बोलना पड़ेगा, वो ज्ञान आप में नहीं है। पूजा का ज्ञान भी भगवान जाने, आपकी पूजा से आज तक कोई देवता आए क्या? यानी देवता नहीं है धरती में। ये वो सनातन धर्म है जिस धर्म में मंत्रों से अग्नि जलाया जाता है, मैचिस की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी पूजा की भी शक्ति नहीं है, मंत्र बोलने की भी शक्ति नहीं है, ध्यान रखना ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। हम बच्चों की तरह दिल से प्रार्थना भी कर लें अपने इष्ट के सामने तो हमारा हर काम हो जाएगा जो आप करते नहीं। जय गुरुदेव। वो काम आप करते नहीं हो, आप कभी प्रार्थना किए क्या? सोचो, ये क्रिश्चियन लोग देखो चर्च में, ये ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं ना खड़े होके, हम लोग पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, कभी आपने प्रार्थना किया क्या? आज से ये आपको मैं सिखाता हूँ कि घर में जब भी पूजा करते हो, दुनिया से अपनी मन की बात बोलो मत, क्योंकि दुनिया सुनेगी आपके दुख, सुन के दुखी हुई जैसे नाटक करेगी, पीछे से हंसेगी, ये दुनिया है। आप दुखी हैं तो हंसेगी ना, आप सुखी हैं तो जलेगी, ये दुनिया है। अगर आपको कुछ कहना ही है तो अपने प्रभु से कहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जय गुरुदेव। अपने प्रभु से कहिए, आपका मंगल हो जाएगा। प्रार्थना करिए, आपकी जो भी बात है इष्ट को बोलिए। उस गांव वालों ने भी तय किया कि हम प्रार्थना करेंगे। क्या तय किया? प्रार्थना करेंगे। सब इकट्ठे होके एक मैदान तय किया, नीमच दसरा मैदान जैसा ही कोई बड़ा मैदान। उस मैदान में सब एकत्रित होंगे, समय भी निश्चित हो गया, तारीख भी निश्चित हो गया, सब जाने लगे उस जगह पर। सब बड़ा जा रहे थे, एक छोटा लड़का छतरी लेके जा रहा था। लोगों ने कहा, पागल, इतना तो अकाल पड़ा, सूख रहा है, इसलिए तो हम जा रहे हैं, छतरी को क्या करेगा? उसने बोला, हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगा ना, इसलिए मैं पहले ही छतरी लेके जा रहा हूँ। जय जय गुरुदेव। ये विश्वास होनी चाहिए महाराज। अगर ये विश्वास आ गया कि मैं प्रार्थना करूंगा बारिश का तो बरसात आएगा, मैं प्रार्थना करूंगा सुख का तो सुख आएगा, मैं प्रार्थना करूंगा आरोग्य का तो आरोग्य आएगा, जब ये प्रार्थना के प्रति श्रद्धा होगी तभी कल्याण होगा। कई लोगों को अपनी तकदीर फूटी हुई ऐसे लगता है। कई लोग मेरे को बोलते, मेरा तकदीर ही फूटा हुआ है प्रभु, मैं क्या करूं? तू बोलता है ना? बोलता है? देखो, हाँ हाँ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा भाई, तेरा तकदीर फूटा। सोचो महाराज, कहीं हमको कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमको कोई चलते फिरते हड्डी टूट जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अस्पताल। किराना खरीदना हो तो कहाँ जाते हैं? किराने की दुकान पे। तो इस सनातन धर्म में मंदिर, कथा, यज्ञ, पूजा, जैसे हड्डी टूटा हुआ डॉक्टर के पास जाता है, तकदीर फूटा हुआ भक्ति करने जाता है। जय गुरुदेव। अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता हो तो फिर काहे लिए करना भाई ये भक्ति? कई लोग ऐसे कहते हैं, ये भजनकार भी कभी कभी भजन करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लिखने वालों को जूता मारूं मैं।
ऐसे ऐसे भजन लिखते हैं। एक भजन का दो लाइन आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ा सही लगेगा, लेकिन मैं जब समझाऊं तो आपको लगेगा कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। वो भजन है, घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। आपको सही लग रहा है ना ये बात? तुरंत समझ गए कि गुरुदेव अब क्या कहने वाले हैं, इसलिए होशियार हो गई। नहीं तो वरना आज तक तो यही कहते थे, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में, यही तो कहते हो। अगर किस्मत में लिखा वही होना हो तो फिर हमारे धर्म में राम शिव पद्मावती भैरव की जरूरत ही नहीं है। हमारे किस्मत में नहीं लिखा वो भी देंगे, इसीलिए हम इनकी भक्ति करते हैं। जय गुरुदेव। जो किस्मत में है वही मिलना है तो फिर इनकी क्या जरूरत भाई, जो मेरा है वही मेरा होगा, तो इनको क्यों पकड़ने जाएं, पागल थोड़ी है। हम इनको इसलिए पकड़ते हैं, जो मेरा नहीं है वो भी मेरा हो जाता है जब मैं इनको पकड़ता हूँ। जय गुरुदेव।